इस समय हम हैं दीव के सबसे बड़े चर्च सेंट पॉल चर्च में। हेलो दोस्तों, हम अपने गुजरात के सफर में आगे बढ़ते हुए आ चुके हैं दीव आइलैंड पर, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। दीव गुजरात के कोस्टल एरिया में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है और सोमनाथ से दीव 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दीव फेमस है अपने नेचुरल ब्यूटी, खूबसूरत बीचेस और अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के लिए। 1961 से पहले दीव पोर्चुगीज के कंट्रोल में था और इसीलिए यहाँ के आर्किटेक्चर और कल्चर में पुर्तगाली झलक देखने को मिलती है। दीव का सफर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि दीव पहुँचने के दो मुख्य तरीके हैं। या तो आप बाय प्लेन या बाय ट्रेन आ सकते हैं। अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट दीव एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट मिल जाएगी, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको वेरावल स्टेशन आना होगा। वेरावल शहर से दीव 90 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से कई सारे पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएंगे, जिसके द्वारा आप दीव पहुँच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं दीव के सबसे फेमस गंगेश्वर महादेव टेंपल में। दोस्तों, इस मंदिर में 5 शिवलिंग हैं और ये वही टेंपल है जिन्हें पांडवों द्वारा बनाया गया था। सो फ्रेंड्स, दीव के सफर में हम सबसे पहले पहुंचे हैं गंगेश्वर महादेव मंदिर, जो समुद्र के किनारे चट्टानों के बीच बना हुआ है और यहां से समुद्र का एक खूबसूरत पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। गंगेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान किया था। इस मंदिर में 5 शिवलिंग है जिसका अभिषेक हर रोज समुद्र द्वारा किया जाता है। गंगेश्वर महादेव वही टेंपल है जो कि आपने इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब की रील में डेफिनेटली देखा होगा, और ये वाकई काफ़ी सुंदर मंदिर है और इसके आसपास का जो समुद्र का नज़ारा है वो भी बहुत सुंदर है। अभी जब हम दर्शन करने आए भगवान के तो अभी फ़िलहाल हाई टाइड नहीं है, तो यहाँ मंदिर तक के समुद्र का पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जब दोपहर में हाई टाइड होगा, यानी कि जब पानी ऊपर चढ़ेगा समुद्र का, तो उस समय जो समुद्र का पानी है वो स्वयं आकर शंकर जी का अभिषेक करेगा। तो महादेव के दर्शन करने के बाद हम लोग रुके हैं 2 मिनट ब्रेक के लिए और हम लोगों ने लिया है फालूदा। तो बस थोड़ी देर हम लोग यहाँ रुकेंगे, फिर हम चल देंगे अपने नेक्स्ट सफर पर। दीव पहुँचने के बाद आप दीव के सारे टूरिस्ट प्लेस पर जाने के लिए या तो प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं या फिर 2-व्हीलर या 4-व्हीलर रेंट पे ले सकते हैं। तो हम लोग अभी आए हैं INS कुकरी मेमोरियल और अभी हम लोगों ने गोल्फ कार्ट किए हैं। जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पर एंट्री गेट पर ही आपको गोल्फ कार्ट की सुविधा दी जाती है। या तो आप पैदल चल के जा सकते हैं या तो आप इसके द्वारा गोल्फ कार्ट के द्वारा जा सकते हैं, मगर अभी धूप बहुत हो रही है और रास्ता थोड़ा सा ज्यादा है ऊपर चढ़ के जाना है, तो इसलिए हम लोगों ने गोल्फ कार्ट कर लिया। इसमें बैठ के हम लोग जा रहे हैं और कुछ ही सेकेंड्स में पहुंच जाएंगे और ये वापस हमें लेके भी आएंगे। और इसका इन्होंने जो प्राइस लिया है वो है 50 रुपीज पर पर्सन। हमारी राइड शुरू हो गई है। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं INS खुकरी मेमोरियल। INS खुकरी मेमोरियल एक विशेष स्थान है जो भारतीय सैनिकों की वीरता और साहस की अनकही कहानियां समेटे हुए है। ये मेमोरियल उन बहादुर सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्वितीय साहस दिखाया था।
तो दोस्तों हमारे सामने है INS कुकरी F-149। ये वही शिप है जो 1971 के टाइम जब इंडो पाक वॉर हुआ था उस समय पाकिस्तान के द्वारा इस शिप पर हमला किया गया था जिससे ये डूब गया था। तो उस शिप की याद में यहाँ पर INS कुकरी F-149 का मेमोरियल बनाया गया है। इस मेमोरियल को चारों तरफ से ग्लास से कवर कर रखा है और इसी ग्लास पर उन सभी जो भी हमारे नेवी ऑफिसर्स थे, कैप्टन थे, उन सभी के नाम दिए गए हैं जो उस समय शहीद हुए थे। यहाँ आने वाले लोग उन बहादुर सैनिकों को नमन करते हैं और उनकी वीरता को सलाम करते हैं। आप यहाँ सुबह या शाम के समय में आ सकते हैं जब यहाँ का वातावरण और भी शांत और सुंदर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं दीव के फेमस चर्च सेंट पॉल चर्च में और इस चर्च का निर्माण पुर्तगालियों द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। इस हिसाब से ये लगभग 400 साल पुराना चर्च है। सेंट पॉल चर्च दीव का एक प्रमुख और ऐतिहासिक जगह है। इस चर्च का निर्माण 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा कराया गया था। ये चर्च सेंट पॉल को समर्पित है जो कि ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं। सेंट पॉल चर्च की वास्तुकला बारोक शैली में है जो इसे और भी खास बनाती है। इस चर्च की दीवारों पर सागौन की लकड़ी से सुंदर नक्काशी की गई है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम चर्च के अंदर और हम भी वहां की शांति को अनुभव करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अभी आए थे नाइडा केव्स, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो यहाँ पे अभी आना मना है। तो इन फ्यूचर वापस स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर एंट्री। और ऐसा कहा जाता है कि जब पोर्चुगीज लोगों ने फोर्ट का निर्माण करवाया था तो उस टाइम उन्होंने यहाँ से पत्थर लिए थे। अगर आप दीव घूमने आते हैं तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं दीव में पुर्तगालियों द्वारा करवाए गए सबसे बड़े निर्माण दीव फोर्ट में। आज ये किला दीव का एक ऐतिहासिक स्थान है और दुनिया में पुर्तगालियों के मूल 7 अजूबों में से एक है। इस किले का निर्माण 1535 में करवाया गया था जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मुगल सम्राट हुमायूं के खिलाफ पुर्तगालियों से मदद ली और उसके बदले पुर्तगालियों को दीव में एक किला निर्माण और एक सैन्य टुकड़ी बनाए रखने की अनुमति दी गई। ये किला समुद्री सीमा की रक्षा के लिए बनाया गया था क्योंकि उस समय में व्यापार की दृष्टि से दीव एक प्रमुख बंदरगाह था। तो यहाँ हमें पुर्तगालियों के समय की जो तोप थी वो भी आपको देखने को मिलेगी और इस तोप की सबसे खास बात यह है कि यह अष्ट धातुओं से बनी है जिसके कारण ये गर्म नहीं होती और ऐसी कई सारी तोप यहाँ पर आप सामने भी देख सकते हैं। दो तोप उधर है, एक यहाँ पर है और इसके किले के अंदर और भी काफी कुछ हमको देखने को मिल सकता है। ये जो हमारे पीछे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है पानी कोठा। यहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि यहाँ पर मीठे पानी के कुएं हैं इसलिए इसको पानी कोठा कहा जाता है। लेकिन कयामत मूवी में इस जगह को जेल बताया गया था इसीलिए सबको लगता है कि ये जेल है, मगर ये एक्चुअली में यहाँ की जेल नहीं है।
इस किले के अंदर अष्ट धातु और कांस्य से बनी कई सारी तोपें रखी हुई हैं और इसके अलावा लाइट हाउस, चर्च, पानीकोटा भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दीव शहर 1535 से लेके 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। 1961 में भारतीय सैनिकों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के तहत दीव को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया और उसके बाद दीव को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सबसे फेमस नागोआ बीच पे। वैसे यहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं और अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको किसी और बीच पे जाना होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेमस है, इसीलिए यहाँ पर काफी टूरिस्ट आते हैं। पर आपको अगर वाटर स्पोर्ट्स या अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना है तो आपको नागोआ बीच ही आना होगा क्योंकि यहाँ कई सारी एक्टिविटीज है जो यहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? हेलो एवरीवन, यहाँ पे एक्टिविटीज की बताता हूँ तो मैं, यहाँ पे डिस्को राइड है, जेट्स का ही है, वोटर स्की है और पैराग्लाइडिंग है और स्पीड बोट कर सकते हो आप फैमिली के साथ आते हो तो, और कपल रिंग भी अपलब्ध है और प्लस यहाँ पे आपको बनाना राइड भी मिलता है और ड्रैगन राइड भी मिल जाएगा। ओके, ऐसे करके सभी यहाँ पे अच्छा इंजॉयमेंट है, आओ आप घूमने, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी नेक्स्ट ट्रिप गुजरात प्लान कर रहे हैं तो दीव आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए और आप अपनी दीव के ट्रिप के साथ सोमनाथ मंदिर और गिर नेशनल पार्क तीनों एक साथ कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नए सफर में एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।